गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आज का वीडियो लेक्चर बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए यूनिट थर्ड का ये टॉपिक है अमेरिका की विदेश नीति के उद्देश्य, विशेषताएं और उनका समकालीन परिप्रेक्ष्य में अध्ययन। इस यूनिट में हम लोग चीन और रूस की विदेश नीति भी पढ़ेंगे। आज हम अमेरिका की विदेश नीति पर बात कर रहे हैं। अमेरिका की विदेश नीति प्रतियोगी उद्देश्यों और दबावों का एक दर्पण है। वह राष्ट्रीय स्वार्थ व अव्यावहारिक आदर्शवाद का विचित्र मिश्रण है। अमेरिका के लोगों की विशेषता है कि वे अपनी समस्या को संपूर्ण मानव समुदाय की समस्या समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में अस्पष्ट होते हुए भी अमेरिका के लोग सदैव ये समझ लेते हैं कि वे सही मार्ग पर चल रहे हैं। ये प्रवृत्ति जॉर्ज वॉशिंगटन के समय से चली आ रही है। अमेरिका में अमेरिकन इंडियंस के अलावा सभी लोग बाहर से आए हुए हैं, ये आगत जातियां कहलाती हैं, और अमेरिका में रहने वाले अधिकांश लोग यूरोप से यहाँ आकर के बसे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जब कोई तनाव उत्पन्न होता है तो अमेरिका के लोग अपने पुराने महाद्वीप यूरोप के प्रति प्रेम और घृणा का व्यवहार करते हैं। यूरोप न केवल उनकी सभ्यता की मातृभूमि है, बल्कि हम यूँ कहें कि अमेरिका का दिल यूरोप में ही बसता है। जब कभी यूरोप में विनाश का भय उत्पन्न होता है, कोई संकट आता है, तो अमेरिकी चौकन्ने हो जाते हैं और अमेरिका में भी भारी राजनीतिक उथल पुथल दिखाई देती है। अमेरिकी विदेश नीति के निर्माण के आधारभूत तत्व हमें ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि हर विदेश की विदेश नीति कुछ आधारभूत तत्वों से निर्मित होती है, जिनमें भूगोल एक बहुत बड़ा निर्माणक तत्व है, वहाँ पर उपलब्ध प्राकृतिक साधन, देश की सुरक्षात्मक शक्ति, वहाँ के मानवीय स्रोत, अमेरिका की गृह नीति और अमेरिका में कार्यरत दबाव समूहों का प्रभाव, संविधान द्वारा दिए गए प्रतिबंध या बंधन, और रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच में पाया जाने वाला सहयोग, ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो अमेरिका की विदेश नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब हम बात करते हैं अमेरिका की विदेश नीति के उद्देश्य क्या हैं। उसमें सर्वप्रमुख उद्देश्य है राष्ट्रीय सुरक्षा, जो प्रत्येक राष्ट्र की विदेश नीति का उद्देश्य होता है। अमेरिका ने अपनी विदेश नीति का निर्धारण इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किया है कि उसकी सुरक्षा पर किसी प्रकार की आँच नहीं आनी चाहिए। अमेरिका इसी उद्देश्य से एशिया, अफ्रीका और यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहता है। यूरोप में पश्चिमी जर्मनी, एशिया में जापान और पाकिस्तान का समर्थन अमेरिका इसी आवश्यकता के आधार पर करता रहा है। दूसरा बिंदु है लोकतंत्र की रक्षा। अमेरिका लोकतंत्र का प्रबल समर्थक है और उसने प्रथम विश्व युद्ध में भी लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर ही प्रवेश किया था। दूसरे महायुद्ध के समय भी रूजवेल्ट ने ये घोषणा की थी कि अमेरिका का उद्देश्य हिटलर की तानाशाही को समाप्त करना और विश्व के प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति को
चार प्रकार की स्वतंत्रताएं जरूर उपलब्ध हों ऐसा प्रयास अमेरिका करना चाहता है। उनमें भाषण की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, अभाव से स्वतंत्रता और भय से स्वतंत्रता शामिल है। तीसरा उद्देश्य है साम्यवाद का अवरोध, साम्यवाद को रोकना। दूसरे महायुद्ध के बाद अमेरिका ने साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रसार को रोकने का दृढ़ संकल्प ले रखा है। ये साम्यवाद चाहे सोवियत साम्यवाद हो चाहे वो चीनी साम्यवाद हो, अमेरिका इन दोनों ही देशों के साम्यवाद को उसकी सीमाओं से बाहर निकलने से रोकने का हर संभव प्रयास करता है। चौथा बिंदु है तनाव कम करना। दूसरे महायुद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो शीत युद्ध का वातावरण था, अमेरिका उस तनाव को कम करने के लिए भरसक प्रयास करता रहा और उसने सोवियत संघ के साथ एनटीबीटी 1963, 1968 की एनपीटी, इसके अलावा 1972 की सॉल्ट 1, 79 की सॉल्ट 2, स्टार्ट 1, स्टार्ट 2, 1 और 2, 91 और 93, इस प्रकार की जो संधियां सोवियत संघ के साथ की, उसका उद्देश्य अमेरिका का यही रहा कि वह इस तनाव को कम करके अपने आर्थिक संसाधनों का प्रयोग जनहित में करना चाहता है। पांचवा जो उद्देश्य है अमेरिका की विदेश नीति का, जॉन फॉस्टर डलेज के शब्दों में, कि अमेरिका के लोगों को प्रत्येक संभव प्रयास से शांति और स्वतंत्रता का उपभोग करने का अवसर प्रदान करना अमेरिकी विदेश नीति का उद्देश्य है। यानी अमेरिका में का जो व्यक्ति है वो इस विश्व में शांति और स्वतंत्रता का उपभोग कर सके, ऐसा वातावरण बनाना अमेरिकी विदेश नीति का उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट है नई विश्व व्यवस्था का निर्माण। 1991 में जब सोवियत संघ का पतन हो गया, साम्यवाद समाप्त हो गया, साम्यवाद का हुआ ख़त्म हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ जो है वो एक शक्तिहीन संगठन के रूप में तब्दील हो गया, तो विश्व में एकमात्र महाशक्ति रह गई वो है अमेरिका। और जॉर्ज बुश सीनियर ने इस कह सकते हैं हम लोग सोवियत संघ के पतन के बाद की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को नाम दिया न्यू वर्ल्ड, नई विश्व व्यवस्था। और इस नई विश्व व्यवस्था की क्या खासियत थी कि विश्व का एकमात्र शक्ति केंद्र अमेरिका है, दुनिया में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है और संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य या कार्यवाहियां अमेरिका के उद्देश्यों से समकालीन होने चाहिए, उसके समकक्ष होने चाहिए। यानी अमेरिका और सोवियत संघ के उद्देश्य अलग अलग, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य और कार्यवाहियां इतर नहीं होंगी, अलग नहीं होंगी, एक जैसी होंगी, ऐसी विश्व व्यवस्था की संकल्पना जॉर्ज बुश सीनियर ने प्रस्तुत की थी। अमेरिका जो है वो आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का वास्तव में केंद्रीय ध्रुव है, विश्व की एकमात्र महाशक्ति है, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, उसे कोई ललकार नहीं सकता, उसके पास परमाणु शस्त्रों की ही नहीं आर्थिक संसाधनों की भी प्रचंडता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आतंकवाद का उन्मूलन। 11 सितंबर 2001 को जब अमेरिका के पेंटागन और विश्व व्यापार संगठन पर हमला हुआ, तब अमेरिका को ये महसूस हुआ कि वास्तव में आतंकवाद नाम का भी कोई समस्या विश्व में है।
इससे पहले भारत या अन्य देश जब आतंकवाद की समस्या अमेरिका के सामने प्रस्तुत करते थे, तो अमेरिका कहता था कि ये आपका अंदरूनी मामला है और आपके देश के ही नवयुवक जो हैं वो आपके देश के अंदर आतंकवादी हमले करते हैं, कोई दूसरा देश का इसमें कोई रोल या कोई भूमिका नहीं। परंतु जब अमेरिका पर खुद पर ये हमला हुआ, तब अमेरिका ने पूरे विश्व से आतंकवाद का सफाया करना, आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना अपनी विदेश नीति का लक्ष्य बना लिया और बार बार हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस बात को दोहराया कि अमेरिका युद्ध नहीं चाहता, अमेरिका किसी सभ्यता के विरुद्ध नहीं है, परंतु अमेरिका आतंकवाद के विरुद्ध है और अमेरिका आतंकवाद का उन्मूलन चाहता है। ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो अमेरिकी विदेश नीति के निर्धारित हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अमेरिकी विदेश नीति की विशेषताएं, और इस विशेषताओं में जो पहला बिंदु है वो साम्यवाद का अवरोध है, जैसा हमने इसकी कह सकते हैं ऑब्जेक्ट्स में पढ़ा है कि अमेरिका किसी भी स्थिति में साम्यवाद को पनपने नहीं देना चाहता। वह नाजी से भी ज़्यादा बड़ा खतरा साम्यवाद को मानता है, इसलिए अमेरिका की जो विदेश नीति है वो साम्यवाद को रोकने, साम्यवाद का कंटेंटमेंट करने में, उसका प्रतिरोधन करने पर केंद्रित रही है। जहाँ जहाँ सोवियत संघ ने साम्यवाद का प्रचार करने का प्रयास किया, अमेरिकी विदेश नीति उस साम्यवाद को रोकने के लिए काम करती रही, उसमें विघ्न डालने का काम करती रही। यह एक प्रमुख विशेषता हमें देखने को मिलती है। दूसरा जो बिंदु है विशेषताओं में वो है सैनिक संधियों की नीति। अमेरिका ने साम्यवाद को रोकने के लिए, साम्यवाद के खतरे को समाप्त करने के लिए, साम्यवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए, या हम यूँ कहें कि साम्यवाद का परिरोधन करने के लिए सैनिक संधियों की नीति शुरू की। उसके अंतर्गत उसने 1949 में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का गठन किया। उसके बाद 1954 में सीटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1955 में सेंट्रो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अलावा रियो संधि 1947 में अमेरिका ने की, जो दक्षिण अमेरिका के देशों के साथ थी। इसके अलावा एंजस जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ की गई, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, एन जेड फॉर न्यूजीलैंड एंड यूएस फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, एंजस। इसी तरह से अमेरिका ने रियो और एंजस के अलावा एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में अपने सैनिक अड्डे बनाने के भी प्रयत्न किए और उनमें वो सफल भी हुआ, ताकि इन सैनिक अड्डों के माध्यम से वो इन महाद्वीपों में हो रही कार्यवाहियों पर और गतिविधियों पर अपनी निगरानी रख सकता था। तीसरी विशेषता है विदेशी आर्थिक सहायता की नीति। अमेरिका की विदेश नीति का यह अभिन्न हिस्सा है कि वह आर्थिक सहायता देकर राष्ट्रों को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है, वो आर्थिक और तकनीकी सहायता देकर साम्यवाद के खतरे को टालना चाहता है, आर्थिक और सैनिक सहायता देकर वो विदेशों में पारंपरिक महत्व की वस्तुओं, सैनिक अड्डों, बंदरगाहों आदि सुविधाओं को प्राप्त करना चाहता है। इन उद्देश्यों से अमेरिका ने द्वितीय महायुद्ध के बाद उदार पट्टा कार्यक्रम, मार्शल योजना, चार सूत्रीय कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय विकास योजना और प्रगति के लिए मैत्री आदि कदमों के द्वारा विदेशी आर्थिक सहायता डेवलपिंग कंट्रीज को, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को दी, ताकि इन देशों में साम्यवाद को रोका जा सके, इन देशों के बाजारों को प्राप्त किया जा सके और इन देशों को नव उपनिवेशवाद के शिकंजे में जकड़ा जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मानवाधिकारों का समर्थन। अमेरिकी विदेश नीति की एक विशेषता मानवाधिकारों का समर्थन करना है।
कार्टर प्रशासन ने तो मानवाधिकार मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ताने बाने में ठोस रूप में लपेट दिया। कार्टर प्रशासन ने मानवाधिकारों की देखरेख के लिए स्टेट डिपार्टमेंट में एक पृथक ब्यूरो की स्थापना कर दी। अमेरिकी राजदूतों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व बन गया कि वह दूसरे देशों में मानवाधिकार संबंधी नीति को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लोकतंत्र बहाली के नाम पर पड़ोसी देशों में हस्तक्षेप। अमेरिका ने दूसरे महायुद्ध के बाद लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर 1965 में डोमिनिकन गणराज्य में, 1983 में ग्रेनेडा में, 1994 में हेती में सीधा सैनिक हस्तक्षेप किया। और इन सैनिक हस्तक्षेपों का उद्देश्य उसने लोकतंत्र बहाली, लोकतंत्र को बचाना बताया। जबकि वास्तव में अमेरिका ये सब काम इसलिए करता है ताकि वो इन देशों में साम्यवाद का प्रसार रोक सके, इन देशों में अपनी कठपुतली सरकार बना करके अपने निजी स्वार्थों को साध सके और अपने हितों को पूरा कर सके। इसी नीति के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि उसने लगभग दूसरे महायुद्ध के बाद में 60 से अधिक देशों में हस्तक्षेप किया है। नेक्स्ट पॉइंट है विकासशील देशों पर दबाव बनाने की नीति। ये अमेरिका की नीतियों में सर्वप्रमुख है कि वह विकासशील देशों पर दबाव बनाए रखता है, चाहे वो व्यापार के लिए हो, चाहे वो तकनीकी सहायता के नाम पर हो, चाहे वो आर्थिक सहायता के नाम पर हो। वह उन्हीं उद्देश्यों को या उन्हीं कार्यवाहियों को आगे बढ़ने देता है जो उसके हितों के अनुरूप होते हैं। जैसे भारत और रूस के बीच में क्रायोजेनिक इंजन के लेन देन को लेकर के एक समझौता हुआ, परंतु अमेरिका ने रूस पर दबाव बना करके और भारत और रूस के बीच हुए इस इंजन समझौते को रद्द करवा दिया। इसी तरह भारत के इसरो सहित 200 कंपनियों को काली सूची में डालना, भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना, ये सब अमेरिका की इसी नीति का हिस्सा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है एशिया प्रशांत क्षेत्र में विशेष दिलचस्पी। अमेरिका ने एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के नाम से एक संगठन बना रखा है और उस संगठन के नाम पर वो एशिया के उभरते हुए देशों के साथ अपना व्यापार करता है, उनके साथ आर्थिक समझौते करता है, उन्हें तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाता है। क्योंकि अमेरिका इस बात को महसूस करता है कि अमेरिका का जो व्यापार है उसका अधिकांश हिस्सा जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से पूर्ण होता है, तो वो इन देशों में इन देशों के साथ समझौता करके, इन देशों की नीतियों में हस्तक्षेप करके उन्हें अपने पक्ष में बनाए रखने का प्रयास करता है। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए क्लिंटन ने सिएटल में जो आर्थिक जो एपेक सम्मेलन हो रहा था उसमें कहा था कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में हो रहा आर्थिक विस्फोट हमारे लिए चिंता का विषय है। भय यह है कि रोजगार और बाजार दोनों एशिया के देश छीन ले जाएंगे। हम नहीं चाहते कि एशिया में अपनी सैनिक उपस्थिति बनाए रखें, क्षेत्रीय नेतृत्व का बोझ उठाएं, पर क्षेत्र के आर्थिक विकास से होने वाले लाभ से वंचित रहें। ना तो ये उचित है और ना ये दूरगामी हित में है। क्लिंटन ने साफ कहा कि हम आर्थिक विकास से होने वाले लाभ से वंचित नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए हमें दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आतंकवाद को समर्थन या पनाह देने वाले देश अमेरिका के दुश्मन माने जाएंगे। ये ऑब्जेक्ट्स में भी हमने पढ़ा है कि अमेरिका ने साफ कहा कि जो भी देश आतंकवाद को पनाह देगा, आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करेगा, वो अमेरिका का दुश्मन कहलाएगा और अमेरिका उसके साथ शत्रुता का ही व्यवहार करेगा।
लास्ट पॉइंट की विशेषताओं में है आश्रित और उपग्रही राज्यों की स्थापना की नीति। अमेरिका अपने ऊपर निर्भर और उपग्रही राष्ट्रों की संख्या बढ़ाना चाहता है। उसका उद्देश्य यहाँ पर भी साम्यवाद को रोकना, इन उभरते हुए देशों के बाजारों का उपयोग करना, इन उभरते हुए देशों के प्राकृतिक संसाधनों को अपने हितों में काम में लेना और इन नवोदित देशों की राजनीति में हस्तक्षेप करके अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने का प्रयास करना, ये अमेरिका की विदेश नीति की विशेषताएं हैं। यदि हम विदेश नीति का मूल्यांकन करें तो जॉर्ज कैनन के शब्दों में जो हम कह सकते हैं कि अमेरिकी विदेश नीति घड़ी के पेंडुलम की भांति एकांतवास और हस्तक्षेप के दो छोरों पर झूलती है। हम जितने भी एग्जाम्पल इसमें पढ़ते हैं हमें उसमें यही महसूस होता है कि अमेरिका या तो एकांतवास में रहता है, यानी वो विश्व राजनीति में किसी भी विषय पर हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन जहाँ उसके राष्ट्रीय हित प्रभावित होते हैं, जहाँ उसके स्वार्थ पूरे होते हैं, वहाँ वह लोकतंत्र के नाम पर, मानवाधिकार के नाम पर, आतंकवाद उन्मूलन के नाम पर या किसी और अन्य तरीके से वो उस एकांतवास को तोड़ करके हस्तक्षेप की मुद्रा में आ जाता है और उस कार्यवाही को अंजाम देता है। हमने देखा कि उसने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के नाम पर अफगानिस्तान में, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम पर इराक में, इसके बाद 2009 में लीबिया में कर्नल गद्दाफी के विरुद्ध जिस प्रकार की सैनिक कार्यवाहियाँ की गई, उससे साफ और स्पष्ट होता है कि लोग अमेरिका, आज की जो विश्व व्यवस्था है वो अमेरिका के इर्द गिर्द घूम रही है। अगर अमेरिका विश्व राजनीति का केंद्र बिंदु है और कोई भी देश उसकी नाराजगी नहीं झेल सकता, इसलिए रूस और चीन चाहे वो कितने भी आज साम्यवाद का अवलंबन करें, परंतु वह भी इस स्थिति में नहीं है कि वह अमेरिका को नाराज करके रहें या अमेरिका के विरुद्ध चल सकें। और आज की स्थिति में जो व्यापार युद्ध या जो डेटा युद्ध शुरू हो गया है, उसको उसके बाद में चीन और रूस बहुत सतर्क हैं और इस मामले को और ज़्यादा हम आगे जो वीडियो लेक्चर हमारे और जो बनेंगे इस टॉपिक के बाद में, जिसमें हम रूस की विदेश नीति, चीन की विदेश नीति पढ़ेंगे, तो उसमें और विस्तार से इन देशों के संबंधों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।